हे गाइस हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट यस और नो यस चारो वेरी गुड आफ्टरनून आज वो आप इस थियोरी नहीं पढ़ेंगे आज कुछ नया पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ठीक है आपने इसके बारे में कुछ सुना है क्या कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुना है क्या ये किसी ने प्लीज बता दो मुझे Answer for this. क्या होता है? सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ दिस इज वन पर्सन एक्स इन 2007 से ही बॉट अ पेन व्हाट पेन कितने का मिलता था कोई भी एक नॉमिनल पेन जान लो ये वाला पेन है समझो ये वाला पेन इट वुड कॉस्ट हिम से रुपीज थ्री बोल सकती हूँ थ्री भी ज़्यादा हो गया रुपीज थ्री और रुपीज टू से वही पेन टू थाउजेंड नाइन में देखेंगे तो कितने का पड़ेगा से रुपीज फोर फिर इवेंचुअली उसको अगर 2012 में देखेंगे तो सेम पेन वुड कॉस्ट फाइव 2015 में देखेंगे तो द सेम पेन इज रुपीज सिक्स टू पेन देखेंगे सेम पेन रुपीज़ से एट रुपीज 2022 सेम पेन जबकि इतना सारा जो है ना खर्चा बढ़ रहा है पूरा बजट ही हिल रहा है ओवरऑल सभी बढ़ रहा है तो नॉट पेन इट हैज टू से और ज्यादा हो गया टेन बोल सकते हैं सिमिलरली एनीथिंग ये तो पेन का एग्जाम्पल लिया आप चाहे कोई फिर प्रॉपर्टी की बात कर लो से लैंड हाँ वो बीच में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके वजह से जो हलचल हो गई थी लैंड एंड ऑल के बीच में वो थोड़ा सा मतलब वेग था बट देन अगर लैंड किसी ने अगर से uh, 1993 और 1994 का अगर किसी के पास लैंड होगा तो उसकी अगर आज की कीमत जानेंगे दैट इज 2020 बोलो या द वैल्यू से अगर 1994 का लैंड से वन लाख का होगा रुपीज, वन तो वो 2022 में आपको उसका अंदाजा है वो कितने का हो गया होगा ये, ये तो कैसा है शेयर तो ऐसा होता है कि भाई कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है मतलब कैसे अपने काम में बढ़ोतरी कर रही है इसलिए उसका वैल्यू बढ़ रहा है इसलिए ये नहीं लेते अपन अपने, अपने एग्जाम्पल में लैंड तो भाई पड़ा है ना इट जस्ट देर लैंड में कुछ ऐसा होता है क्या कि कुछ उसमें बढ़ गया घट गया हाँ लैंड इज लैंड इट इज इंटैक्ट। अच्छा सिमिलरली अगर अपन फूड ग्रेन्स की बात करें फूड ग्रेन्स आटा आटा आई मीन टू से वो गेहूं होते हैं, उड़द की दाल बोलो चने की दाल वट एवर इट इज तो वो जमाने का रेट और अगर थोड़ा 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 टाइम गैप से रेट को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया है बढ़ गया है इसको क्या बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मनी का भी वैसा ही होता है अभी अपन पेन की बात कर लिए प्रॉपर्टी की बात कर लिए एनीथिंग कोई भी चीज हो अभी बात करते हैं अपन मनी की मनी का वैल्यू भी बढ़ता है वक्त के साथ इसीलिए अपन क्या करते हैं एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है जितना भी अर्न करता है से ₹10000 अगर अर्न किया तो उसमें का 5000 तो खर्चा हो गया इट इज स्पेंट बट पांच हजार रुपए सेव करता है सेव करके इसी पैसे को क्या करता है वो इन्वेस्ट करता है क्या करता है इन्वेस्ट करता है किधर इन्वेस्ट करता है किधर इन्वेस्ट करता है से बैंक बैंक में लगा देगा एज अ एफ डी से एवरी मंथ और एवरी टू मंथ्स व्हाट इट इज जितना भी उसका टाइम गैप होगा वैसे बैंक में एफ पे लगा देगा नाव डेज पीपल डीन इन टू शेयर एंड क्रिप्टो बट यू नो दैट इज ए डिफरेंट सीनेरियो दैट उसमें तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई कोई शेयर तो एकदम से कभी भी बढ़ जाएगा वो क्यों क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस पे कोई न्यूज़ पर डिपेंडेंट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह या वो शेयर ही शेयर ही उतना मोमेंट करता है जब एकदम नीचे एकदम हाई ठीक है तो शेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लेते बट इट ऑल्सो कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है तो और दूसरी चीज़ क्या शेयर में ये भी हो सकता है ना कि दो हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया वो कम भी हो सकता है है ना तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द यू नो परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके डिपेंडेंसी पे वो पैसा बढ़ता है ठीक है बट बैंक में अगर आप एफडी लगा दो बाई डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू ग्रो अच्छा किसी फ्रेंड को दे दो आप ब्याज से सुना होगा नहीं किसी फ्रेंड को दे दो फ्री में दोगे क्या नहीं उसको क्या बोलोगे भाई इस पे मुझे क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा है कि नहीं और क्या कर सकते हो बोलो इस पैसा के साथ आप आ, कोई कोई इंश्योरेंस भरता है देखो इंश्योरेंस सुना है ऐसा कुछ नाम आपने इंश्योरेंस भर के यू नो एवरी मंथ इंश्योरेंस पे करो और वो लॉन्ग टर्म होता है फॉर फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स ऐसे होता है वो और फिर एक तो दो चीजें उसमें होती है डेथ हो जाए तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा जो भी उनका टर्म्स कंडीशन के साथ रहेगा नहीं तो द अदर थिंग इज वॉट कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना भी उसमें बढ़ोतरी हुआ होगा वो अमाउंट ऐसा कुछ मैच्योरिटी अमाउंट मैच्योरिटी पीरियड मतलब खत्म होने पे आपका पॉलिसी टर्म वो मिलता है ठीक है ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी uh, होती है तो आप क्या भरते हो इंश्योरेंस प्रीमियम समझा क्या ऐसे तरीके से अपन इसको सेव करने का कोशिश करते हैं ठीक है ठीके? इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी इधर आ जाओ ये देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलते हैं ये मनी हैज़ टाइम वैल्यू रूपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रूपी ईयर मतलब आज जितना रूपी वैल्यू करता है एक साल बाद में खड़े होके उस रूपी की वैल्यू को देखेंगे तो थोड़ा बढ़ गया रहेगा वो वैल्यू समझा क्या आपको इट से क्या क्या होते हैं बताओ क्या क्या रीजन है कि ऐसा पैसे का वैल्यू बढ़ गया इधर लिखते हैं अपन यू ऑल्सो राइट डाउन वाई रीजन ऐसा क्यों होता है बोलो फर्स्ट रीजन नंबर वन करंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन जैसा मैंने अभी नीचे आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आप करंट मतलब से 2020 में वो पेन खरीदते हैं तो आठ रुपए का मिल रहा है वही 2022 में खरीदेंगे तो वो दस का मिलेगा और अगर समझो वही पेन को 2025 में देखेंगे तो वो फिफ्टीन रुपीज का हो गया रहेगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू से मतलब आज की करंट वैल्यू से फ्यूचर कंजम्पशन का जो वैल्यू है कोई भी चीज का वो बढ़ रहा है इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ता है मतलब अगर ये टर्म्स में कौन से बात करते रूपी वन के टर्म में बात करते कि रूपी वन का वैल्यू फ्यूचर में क्या हो गया रहेगा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है वो देखेंगे नीचे अपन नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं नंबर टू कैपिटल इज एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट पॉजिटिव returns an investment when you invest rupees 1 investment of rupee 1 today will grow to 1 plus r आर ये आर क्या होता है रेट ऑफ जो भी अमाउंट रहेगा ना जैसे टेन परसेंट से अंदाजा हम लोग बोलते कि भाई टेन परसेंट ग्रो होगा फिफ्टीन परसेंट ग्रो होगा ट्वेल्व परसेंट ग्रो होगा वैसे तो इट यू वुड राइट दिस एज वन प्लस इस परसेंटेज को आप लोग ऐसे टर्म्स में लिखते हैं वन प्लस पॉइंट वन जीरो तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया वन पॉइंट वन जीरो समझा क्या आपको ये तो हे आर इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर का वैल्यू क्या होता है आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न अर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है तो it would denote as one plus r, कुछ बढ़ रहा है ठीक है क्या कुछ बढ़ रहा है इसीलिए ठीक है नेक्स्ट नंबर थ्री नंबर थ्री इधर लिख दो वहां स्पेस नहीं है या तो एक सेकेंड इसको नीचे कर देते हैं अपन सब कुछ महंगा है आप देखोगे तो कैसा इन्फ्लेशन होता है जीएसटी की वजह से और चीज़ें बढ़ रही है डू यू नो दैट अभी जो फूड ग्रेन्स वगैरह भी आएंगे अगर पैक फूड रहेगा तो उसके ऊपर भी दे वॉन्ट टू यू नो ले वी जी तो शुक्र मनाओ अभी पेट्रोल पे नहीं है ठीक है जिस दिन पेट्रोल पे भी आना चालू हो गया तो सोचो आपको पता है ये जो पेट्रोल एंड ऑयल होता है ना तो जहाँ से ये मतलब आता है अपने तक है ना जिस खदान से ये ऑयल अपने तक आता है वहाँ बहुत सस्ता मिलता है ये तो जैसे 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 अपने तक रिटेल कस्टमर तक पहुंचता है तो इट क्रॉसेस यू नो एटीज एंड हंड्रेड्स ठीक है एटीज तो मैं कहाँ बोल रही हूँ अभी हंड्रेड ही बोलना चाहिए सौ रुपया तो बनता ही है सौ एक सौ दस है ना पर लीटर ऑफ पेट्रोल एंड अदर थिंग्स आप कुछ भी देख लो ना uh, कोई कप आपको लेना हो या फूड ग्रेन्स की बात कर लो यार कप वगैरह तो बहुत दूर जनरल चीज़ें जो होती है अगर आपको नॉर्म नॉमिनल घर में अगर कोई चीज़ें लानी है ग्लासेस प्लेट्स और यू नो बॉक्सेस बॉक्सेस मतलब जो डब्बा वगैरह होता है तो उस जमाने में इट वुड कॉस्ट वेरी मिनिमम और अभी जिस भाव में वो आता है तो हज़ार दो हज़ार रुपया भी कम पड़ता है उसके लिए थाउजेंड इज़ नथिंग नाउ हज़ार में कुछ भी नहीं होता है क्या क्या सौ दो सौ रुपये का तो चॉकलेट आता है सिर्फ सोचो जरा एनी anyway, वेज तो आपने किटकैट देखा है क्या देखो किसी जमाने में वो पांच रुपए का अच्छा आई मीन बड़ा चॉकलेट मिलता था अभी तो टेन रुपीज में इट इज अ वन वन स्ट्रीक स्ट्रीक दैट्स इट दे गिव सिमिलरली यू नो इटिलरलीट कैडबे कैडबेरी पहले दस ऐसा पांच रुपए का भी अच्छा खासा बड़ा मिलता था अभी तो फाइव रुपीज में ओनली थ्री पीसेज दे गिव यू नो गि ऐसे तीन ब्लॉक्स देते हैं तो कैन यू बिलीव कि अगर उसका इंग्रेडिएंट सब... ही महंगा uh, मिलता होगा तो वो क्या करेंगे फाइनल प्रोडक्ट को भी प्राइस में बढ़ाना ही पड़ेगा और वो कंज़म्पशन बढ़ता है फ्यूचर कंज़म्पशन वैल्यू बढ़ता है इसीलिए मनी का प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है वो कैसे बढ़ता है ऐसे ये सारे टर्म्स अभी अपन पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू कैसा निकालना ठीक है यहां पे लिखो इनफ्लेशनरी पीरियड a rupee today represents greater real purchasing power than a rupee a year hence okay अभी देखो समझो फॉर एग्जाम्पल मैं ये लैंड की बात करती हूँ लैंड की बात करती हूँ अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब क्या हर चीज का दाम बढ़ जाना हर चीज का उसको बोलते हैं अब जो चीज साल पहले कुछ और खरीद सकती थी समझो 2019 बोल सकती हूँ मैं 2019 पकड़ती हूँ यहाँ पे 2019 में मुझे क्रीम लेना था ओके वो क्रीम से आया था रुपीज फोर्टी फाइव में फेस क्रीम और अगर वही क्रीम को मैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में देखूं तो कितने में पड़ता है मुझे से फिफ्टी टू और फिफ्टी थ्री का पड़ा है मतलब प्राइस बढ़ गया अगर इसी जगह पे 2019 में अगर मैं 53 का कुछ खरीद पाऊं तो मैं और अच्छा कोई क्रीम ले सकती थी रुपीज फिफ्टी का से लैकमे का कोई क्रीम बाय कर सकती थी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से ये क्या हो गया सेम चीज का दाम बढ़ गया इन्फ्लेशन हो गया तो मेरा जो परचेजिंग पावर है वो चेंज हो गया मतलब अगर आप यहां पर देख सकते हो तो ये फोर्टी फाइव के बदले उस टू थाउजेंड नाइनटीन में फिफ्टी थ्री में, में कोई लैकमे का क्रीम खरीद सकती थी तो परचेसिंग पावर चेंज हो गया ना अभी अगर यही लैकमे का क्रीम मुझे खरीदना है तो आई है और मोर देन दैट समझा क्या ये सब चीजों की वजह से प्राइस का अगर सोचो अगर पैसा एक रुपए का एक ही रहा फिर ये बाकी मार्केट में जो चीजें बढ़ रही है इसको लोग कैसे डील करें मैं बैंक में एफडी क्यों बनाऊं मैं फ्रेंड को इंटरेस्ट से पैसा क्यों दू मैं इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों भरूं फालतू का जब मुझे पता है कि एक रुपया चार साल बाद भी एक रुपया ही रहने वाला है आदमी क्यों करता है इन्वेस्टमेंट क्यों देता है पैसा कि भाई मैं मैं अर्न कर रहा हूँ तुमको बिजनेस करना है एक काम करो मेरा पैसा तुम रख लो इससे बिजनेस करो और हर महीना मुझे कुछ परसेंटेज इसका देते रहो एज अ रिटर्न है ना इसके लिए लोग क्या करते हैं अपने पैसे को पैसा कमाने के लिए दे देते हैं किसी को अगर उनको पता होगा एक रुपया एक रुपया रहने वाला है क्यों लेगा भाई रिस्क क्यों कोई रिस्क लेगा अच्छा बैंक बैंक में आप एफडी बनाओगे क्यों बैंक बैंक करप्ट नहीं हो सकती अच्छे बैंक में तो नहीं होगी बट कितने सारे बैंक ऐसी जो बैंक करप्ट होगी फिर क्यों क्यों रिस्क ले उतना भी रिस्क क्यों ले जब एक रुपया एक रुपया ही रहने वाला है एक रुपया बढ़ेगा तभी तो रिस्क लेते हैं हम है ना हाँ हाँ बोलो फिर चलो इन सारी चीजों को मद्देनजर नजर रखते हुए हम लोग पहले देखेंगे क्या कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मीन्स वॉट जो आज पैसा इन्वेस्ट किया टूडे टूडे ईयर वन इन्वेस्ट कर दिया सेकेंड ईयर आ गया थर्ड ईयर आ गया पैसे का दाम बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा इसने समझो हजार रुपया इन्वेस्ट किया होगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट मान के चलते टेन परसेंट का क्या मिल रहा है इसको इंटरेस्ट मिल रहा है और क्या बोल रहे कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा कैसे चार्ज होगा बताओ तो जरा आपको हिसाब आता है क्या अरे सब इतने बड़े तो हो ही गया हो ना कि अभी फ्यूचर वैल्यू वगैरह निकालने पड़ता है ये तो कैसा है थोड़ा मैं डीप में पढ़ा रही हूँ मतलब डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा कंपाउंडिंग बता दो वन टू थ्री फोर फाइव जितने भी साल का निकालना हो, अभी पहले सिंपलेस्ट मेथड फर्स्ट मेथड मेथड में आपको बताती हूं कैलकुलेटर लो उसपे एक काम करो एक हजार टाइप करो वन थाउजेंड प्लस टेन परसेंट का एक बटन होगा उस पर प्रेस कर दो कितना आ गया आंसर कितना आ गया आंसर तो ये इस तरीके से और अपन लिख सकते हैं वन ईयर बिगिनिंग वन ईयर एंड तो बिगिनिंग में जब एक हजार इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो एंड में उसका वैल्यू होके कितना हो गया इतना ठीक है अभी वही अमाउंट सेकेंड ईयर बिगिनिंग अगर बात करेंगे तो मेरे पास कितना पैसा है अभी ग्यारह सौ रुपया देखो मैं कंपाउंडिंग कर रही हूँ तो मुझे बताओ हजार का टेन परसेंट कितना होता है सौ रुपया एवरी ईयर ग्रो होना ओनली हंड्रेड रुपीज सो दैट इज वॉट दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ठीक है द मनी इज ग्रोइंग बट एट अ फिक्स रेटर इट इज कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे भी पैसा ग्रो होगा अब देखो हजार रुपया था फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में वो इंटरेस्ट के साथ होके हो गया ग्यारह सौ रुपया अभी सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, में मेरे पास कितना पैसा है ग्यारह सो रुपया उस ग्यारह सौ रुपया को मैं लगा दूंगी ब्याज पे अब बताओ सेकेंड ईयर के एंड में, में मेरे पास कितना पैसा होगा सेकेंड ईयर एंड अगर मैं टेन परसेंट का हिसाब लगाऊ तो बताओ 1100 एट द रेट टेन अगेन जो है कैलकुलेटर पे रहने दो प्लस का साइन दबा के टेन परसेंट अगेन कर दो कितना बन गया बताओ अमाउंट कितना बना वन टू वन जीरो आया क्या सबका आंसर ये थर्ड ईयर की अगर बात करें बिगिनिंग कितना पैसा है मेरे पास इंटरेस्ट जोड़ा हुआ अमाउंट वन टू वन जीरो है ना देखो ब्याज पे ब्याज चढ़ा रहे ये सौ रुपया एक्स्ट्रा का ये ब्याज है इसपे भी ब्याज मिला अभी अपने को उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग अच्छा वन टू वन जीरो इसको करो एट द रेट ऑफ टेन परसेंट थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इतना तो third year के एंड में कितना अमाउंट मेरे पास में रहेगा वन टू वन जीरो ऑलरेडी कैलकुलेटर पे है प्लस प्रेस करके टेन परसेंट प्रेस करो कितना हो गया अमाउंट वन थ्री थ्री वन हो गया सिंपलेस्ट मेथड है कितने भी साल का आप ऐसे कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो ठीक है बट देखो अगर बात इंसान के अगर करे रियल लाइफ में तो उसका अमाउंट होगा से 20 साल के लिए इन्वेस्ट 30 इयर्स के लिए 40 इयर्स के लिए होते हैं मतलब जो आपके दादाजी ने वगैरह इन्वेस्ट करके दादाजी के दादाजी ने इन्वेस्ट करके रखे होंगे है इन्वेस्टर पड़े हैं उसको हम लोग टच भी नहीं करते जब बहुत जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे तो ऐसा कंपाउंडिंग होता जा रहा है उसका समझा क्या ये है फर्स्ट मेथड और एक मेथड है जो फॉर्मूला मेथड है फॉर्मूला मेथड क्या है फॉर्मूला बताओ एस इज इक्वल टू एस मतलब व्हाट फ्यूचर वैल्यू एस मतलब फ्यूचर वैल्यू पी मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड ठीक है वन प्लस आई टू द पावर एन आई क्या होगा यहाँ पे आई मीन्स लिख दो इंटरेस्ट रेट पर ईयर और एन मतलब क्या नंबर ऑफ ईयर बोलो और पीरियड बोलो मंथ्स वगैरह के भी कैलकुलेशन हो सकते हैं क्वार्टरली पेमेंट्स हो सकते हैं एनुअली हो सकते हैं हाफ ईयरली हो सकते हैं है ना नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं तो देर फोर पीरियड बोलना ज्यादा बेटर रहेगा ऑलमोस्ट बट लोगों का क्या होता है कि रियल लाइफ में आप देखोगे तो सालाना इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए मैंने ईयर लिखा पीरियड ज्यादा बेटर रहेगा पर पीरियड यह है इंटरेस्ट अच्छा ये आई को आप आर भी डिनोट कर सकते हैं आई और आर आपसे ये इंटरेस्ट है तो इसीलिए आई डिनोट किया है रेट रहता है इसीलिए आर करते हैं तो अपन ने ऊपर फॉर्मूला में जहाँ पे अपन ने ये सब लिखा है ना यहाँ पे ये सब जो लिखा So it grows as one plus R. एक बार करो तो इसको, अभी इसको आप ऐसे में सकते हो पी पी मतलब क्या है, अपना amount invested कितना है? एक हजार रुपया है वन पॉइंट वन जीरो हजार वन पॉइंट वन जीरो रेस टू दावर थ्री बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे आप में इसका आंसर लिख दो ब्रैकेट में मुझे रेस टू थ्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे करो कैलकुलेटर पे लग, अभी दिस इज वन टाइम अपने को और दो बार प्रेस करना है क्या कंपाउंडिंग करना है मतलब क्या इसका ये रेस टू पावर थ्री करना है ये एक बार हो गया 1.10 1. 101. अभी 2 एंड 3 को कैसा करेंगे इनटू प्रेस करके एक काम करो एक बार इक्वल टू प्रेस करो कितना आया 1.21 दूसरे बार इक्वल टू प्रेस करो आया है 1.331 करेक्ट बस 1.331 लिखो 1.331 करो इनटू कर दो अभी एक हजार इंटू वन पॉइंट थ्री थ्री वन जो भी आंसर आया है कैलकुलेटर पे उसको बस इंटू वन थाउजेंड कर दो कितना आंसर आ गया रुपीज वन थ्री थ्री जादू है क्या देखो यहाँ पे भी इतना ही आंसर आया है और यहाँ से भी आप देखेंगे तो उतना ही आंसर आया है ये रेगुलर मेथड बोलते हैं मतलब जिसको आप कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये हें प्रूव्ड है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कैलकुलेटर पर कैलकुलेटर uh, पे आपको हिसाब समझा क्या 1.10 ये एक बार ऑलरेडी आपने रख दिया है ना लिख के तो हो गया वन टाइम काउंट फिर इनटू इक्वल टू आप करेंगे 1.10 करो हो गया 1.21 और वापस से इनटू इक्वल टू करो कितना सॉरी इनटू इक्वल टू नहीं करना है एक सेकेंड ना वापिस से 1.10 1.10 बस पे into equal to और पे बस पे पे और करना है आपको ऑटोमेटिक so, मल्टीप्लाई कर लेगा वो एक ही बार आपको मल्टीप्लाई प्रेस करना है दो बार नहीं करना है अगेन मैं रिपीट कर रही हूं 1.10 पॉइंट इक्वल टू और एक बार इक्वल टू प्रेस कर दो दिस इज वन टाइम काउंट दिस इज टू एंड दिस इज थ्री सो बेसिकली आपको क्या करना है जब भी भी यहाँ पे कोई भी नंबर होगा एन के जगह से फाइव होगा तो आपको इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितने बार प्रेस करना है फोर टाइम्स ओनली समझा क्या आपको अगर एन के बदले होगा नाइन लिखा हुआ आपको इक्वल टू कितने बार प्रेस करना है एट टाइम्स ओनली क्योंकि ये एक बार जब आप कैलकुलेटर पे कोई अमाउंट लिखते हैं तो एक बार काउंट हो चुका है सो इट इज एट प्लस वन दैट वे समझा क्या आपको आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अब देखो दोनों मेथड क्यों बताया ये समझाने के लिए हाउ इट वर्स नहीं तो समझेगा कैसे बुद्धि में है ना और ये फॉर्मूला मतलब क्या ये देखो एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स में इतने परफेक्ट होते हैं ना कि वो ये सब फॉर्मूला वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और अपन ये तो देखा ही है कि जब भी पैसा बढ़ता है तो वन प्लस आर बढ़ता है वन प्लस आर प्रिंसिपल अमाउंट तो ऑफकोर्स आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना वन ये जो अमाउंट आया है ना ये जो अमाउंट आया है ये एक रुपए का अमाउंट है मतलब एक रुपया तीन साल बाद वन पॉइंट थ्री थ्री वन हो गया रेदर अगर आप आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन देखना है तो इट इज समथिंग लाइक दिस रुपीज वन हैव बिकम वन पॉइंट थ्री थ्री वन देर हमने तो वन थोड़ी इन्वेस्ट किया था एक हजार रुपया इन्वेस्ट किया था तो एक हजार कितना होगा करो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना आपको दोनों साइड पे नंबर मल्टीप्लाई सिंगल साइड पे नंबर डिवाइड लिखो वन थाउजेंड इंटू वन पॉइंटेड बाई वन कितना आ गया आंसर वन थ्री थ्री वन ये जो अमाउंट ग्रो बताया है वन पॉइंट थ्री थ्री वन ये एक रुपया तीन साल बाद वन पॉइंट थ्री थ्री वन हो गया हमने तो एक रुपया इन्वेस्ट किया था एक हजार रुपया इन्वेस्ट किया था वो तीन साल बाद कितना हुआ? से बढ़ोतरी हो गई कितने से बढ़ोतरी हो गई देर फोर वन थ्री थ्री वन माइनस एक हजार करो कितना बढ़ गया थ्री थर्टी वन का आपका बेनिफिट ऐसे लोग एक हजार इन्वेस्ट नहीं करते वो इन्वेस्ट करेंगे लाखों में वन लाख रुपीज टू लाख रुपीज कोई लोग बीस हजार मतलब मिनिमम अमाउंट कोई हजार रुपया अभी तो क्या यार बाहर चले जाओ हजार रुपए तो ऐसे ही मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाता है जूस पीने चले जाओ हजार रुपया ऐसे ही उड़ जाता है तो एक हजार अभी कोई इन्वेस्ट नहीं करता है हाँ कोई चाहे किड्स वगैरह होंगे ऐसे कि भाई अभी स्कूल जाते हैं उनको पॉकेट मनी देते हैं तो हाँ वो इन्वेस्ट करते होंगे ऐसा लेकिन अभी जो अर्न वगैरह करते हैं तो वो हमेशा फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचो अगर हजार रुपया ग्रो होके इतना हो सकता है तो व्हेन यू टॉक अबाउट लैक्स एंड यू नो मोर देन दैट तो उसकी तो बात ही अलग है पैसा बढ़ रहा है अब क्या होता है ना डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं जैसे कि अगर आप बैंक में एफ रख दोगे ना तो से रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम रिस्क फ्री रहता रिस्क है रिस्कलेस रहता है मतलब वो मिलने ही वाला है तो बैंक ज्यादा करके ना छवन परसेंट ऐसा कुछ इंटरेस्ट देती है फ्रेंड को दे दिया तो फ्रेंड बोलेगा चल भाई रिस्क भी है ना यहाँ पे समझो फ्रेंड का कल बिजनेस डूब गया फिर क्या करेंगे अनसिक्योर्ड है ना अनसिक्योर्ड रिस्क है वो मतलब क्या है अनसिक्योर्ड है वो अमाउंट तो से जितना रिस्क फिर उतना पैसा भी ज्यादा तो से इसका एट परसेंट टू टेन परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा है ना फिर इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं हम लोग तो से ये लोग भी अच्छा खासा पे करते टेन टू से इलेवन परसेंट ठीक है और भी अगर आप इन्वेस्टमेंट uh, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जिनको बहुत ही पैसे की जरूरत है तो वो सामने वाला बोलेगा भाई एक काम कर मैं फिफ्टीन परसेंट दूंगा समझा क्या आपको सो इट डिपेंड्स कि आप किसको पैसा दे रहे हैं ठीक है ओके नाउ इफ यू कम टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू अच्छा अब यहाँ पे आप देख लो ये पढ़ लो एक बार करंट कंजम्पशन फ्यूचर कंजम्पशन का ही वैल्यू बढ़ गया है अगर अगर आप देखेंगे तो देन उसके बाद में हर किसी को पॉजिटिव रिटर्न चाहिए अगर अपना कैपिटल कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो एंड इट ग्रोज एज वन प्लस आर एंड आर इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट क्या इन अ इन्फ्लेशनरी पीरियड रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर रियल परचेजिंग पावर समझा क्या आपको परचेजिंग पावर ही उस एक रुपए का बढ़ जा रहा है इसीलिए उस पैसे का भी टाइम वैल्यू चार्ज करना बनता है Then, अभी ये आप पढ़ लेना ठीक है ये आप पढ़ लो पढ़ो एक बार मनी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्वॉल्व कैश फ्लोज अकरिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर इवेल्यूएटिंग सच कैश फ्लोज एंड एक्सप्लीसिड कंसिडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड दिस चैप्टर डिस्कस इज द मैथ फॉर डीलिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी दीज मेथड एप्लीकेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस तो फर्स्ट वाला क्या है कंपाउंडिंग अभी डिस्काउंटिंग बाद में देखेंगे अपन ठीक है वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर अभी क्या होता है कि यहाँ फिफ्थ ईयर पे खड़े होके अपन बोल रहे हैं आज का प्राइस है एक हजार तो भाई टुडे पीछे जाके आज है ना आज हम लोग यहाँ खड़े हैं आप आज से बाद में पांच साल बाद की वैल्यू अपने को दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होगी वो अगर निकालना है तो पीछे आना पड़ेगा इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग समझा क्या आपको इस, इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग और फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या आज खड़े होके आज इन्वेस्ट करके फ्यूचर को देखना उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ठीक है तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे कुछ तो ऐड हो रहा है यहां कुछ घटेगा समझा क्या आपको चलो ठीक है तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंडिंग रेट ऑफ टेन परसेंट का बताया अच्छा उसके अलग अलग क्या क्या मेथड्स है देखो कंपाउंडिंग देख रहे हैं डिस्काउंटिंग बाद में देखेंगे सिंगल फ्लो होता है मल्टीपल फ्लोज होता है या फिर एन्यूटी होती है सिंगल फ्लो मतलब क्या एक बार हजार रुपए आपने बैंक में रख दिया एक ही बार आज इन्वेस्ट कर दिया हजार रुपया सीधा तीन साल बाद कितना मिलेगा थ्री इयर्स बाद कितना मिलेगा इसको बोलते हैं सिंगल फ्लो मल्टीपल फ्लोज मतलब क्या आपने एक बार हजार इन्वेस्ट किया एक बार दो हजार इन्वेस्ट किया एक बार तीन हजार इन्वेस्ट किया तो ये प्लस इंटरेस्ट पहले साल का फिर ये प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट समझा के उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्लोज और एन्यूटी मतलब क्या एन टी क्यों रिपीट किया मैंने इसको एन्यूटी का मतलब होता है हर साल एक अमाउंट को डिपॉजिट करना जैसे पहले साल हजार रुपए दूसरे साल वापिस हजार रुपए तीसरे साल वापिस हजार रुपए चौथे साल वापिस हजार रुपए समझा क्या आपको डू यू गेट माई पॉइंट यहाँ पे पहले साल में आपने एक साथ पांच हजार इन्वेस्ट नहीं कर दिया आपने हर साल मिलके हजार 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 ऐसा इन्वेस्ट किया मानने का मतलब है मानने का मतलब है यहां पे अगर मैं आपको एनयूटी का कॉन्सेप्ट एनयूटी फर्स्ट ईयर में एक हजार इन्वेस्ट कर दिया सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में इस पैसे को निकालना है कितने साल आपने इसको रखे रखा जहां पे भी इन्वेस्ट किया तो आपने एक या पे समझो ये एक दो तीन चार ये पूरे पांचों साल आपने रखा फाइव इयर्स तक आपने पैसा वहीं पे रखा पूरा एक साल पूरा दो साल पूरा तीन साल पूरा चार साल पूरा पांच साल तो ये हो गया पांच साल के लिए इन्वेस्टमेंट फाइव इयर्स फिर आपने क्या किया पहले साल का तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना यहाँ पे मैं क्रॉस करती हूँ अभी सेकेंड ईयर में आपने भर दिया एक हजार रुपया ठीक है अब ये कितने टाइम के पीरियड के लिए रखा एक दो तीन चार ये कितने टाइम पीरियड के लिए रखा आपने पैसा फोर इयर्स फिर अगेन यहाँ पे भी मैं क्रॉस करती हूँ यहाँ पे भी क्रॉस पहला दूसरा साल तो हो गया ना अभी तीसरे साल आपने क्या किया वापिस से एक हजार रुपए को इन्वेस्ट किया क्या हो गया इसका एक दो तीन साल पड़ा रहा ये थ्री इयर्स फिर अगेन अभी यहाँ पे मैं क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि तीन साल का तो इन्वेस्ट हो गया अभी फोर्थ ईयर में आपने क्या किया एक हजार रुपया रखा दैट इज फॉर वन टू टू ईयर्स फिर उसके बाद में आप नीचे देखेंगे क्रॉस 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 अगेन वन थाउजेंड रुपीज ये एक साल, ना? वन आपको ये कैसा क्रोनोलॉजी चल रहा है पहले साल में इन्वेस्ट किया पूरे पांच साल का इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर दूसरे साल जो हजार किया उसके ऊपर चार साल का मिलेगा तीसरे साल तीन साल का दो साल का एक साल का दोनों में आप फर्क समझो इसमें क्या फर्क है ऊपर वाले में और इसमें यहां पर आपने एक ही बार एक हजार रुपया इन्वेस्ट कर दिया तीन साल उसको देखने का काम नहीं अगर यहां का एग्जाम्पल देखे तो एक काम करो ना फिर एक काम करो फर्स्ट ईयर में ही पूरा पांच हजार एक साथ इन्वेस्ट कर दो ना सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांचों साल का एक, आपको पूरा कंपाउंड होके मिल जाएगा पांच हजार को एक साथ ही इन्वेस्ट कर दो ना मैंने एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया मैंने उसको ऐसे इन्वेस्ट किया एक दो तीन चार पांच पहले साल हजार दूसरे साल हजार तो उसका वर्किंग कुछ इस तरीके से ही होगा फिर समझा क्या आपको मैं क्या कहना चाह रही हूं ऑल राइट right, इसका वर्किंग अपन बाद में देखेंगे ना एनयूटी का कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूं मैंने सिर्फ आइडिया बताया कि ये कैसे चलता है अभी अपन बात करेंगे सिंपल फ्यूचर वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू को पढ़ो एक बार इसको क्या बोल रहे हैं सपोज यू पीरियड ऑफ थ्री डिपोजिट वुड ग्रो एज इसको क्या बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दिया तीन साल के लिए दस टका से तो उसका अगर मुझे एन्युअली करना है यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना ये कंपाउंडिंग एनुअली बोला है इसीलिए अपने जो नंबर ऑफ मतलब टाइम पीरियड जो रहेगा से आई और आर रहेगा वो अपन थ्री कंसिडर करेंगे इसी को अगर उन्होंने बोला हाफ ईयरली हाफ ईयरली बोला अभी टेन परसेंट तो पर एनम है ना ए, देखो, 10 ये देखो टेन परसेंट ये पर एन है ये होता है बारह महीने के लिए ट्वेल्व मंथ्स तो सिक्स मंथ के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये फाइव फाइव परसेंट हो जाएगा आया ना यार बोलो मुझे समझ में आ रहा है क्या आपको ये अगर तीन साल का पीरियड है तो ये कितना पीरियड हो जाएगा बोलो जल्दी कितना पीरियड हो जाएगा तीन साल बारह महीने तो ये छह का कितना हो जाएगा बोलो जल्दी डबल हो जाएगा ना दिट वुड बी सिक्स पीरियड ये सिक्स पीरियड हो जाएंगे तीन साल तक करना है ये छोड़ दो ये ये आप ये ये हटा दो एनुअली बोला है एनुअली एनुअली अगर पीरियड बोलेंगे तो तीन इयर्स थ्री इयर्स बट इसी को अगर वो बोलेंगे है ना हाफ इयरली हाफ इयरली कंपाउंडिंग करना है तो कैसा करेंगे ये हाफ ईयर के लिए ये बोला है 10% पर एनम हाफ ईयर का तो 5 5% से कर देंगे टाइमलाइन पे अगर देखें तो ये आज जीरो पे खड़े 1 साल एक साल का बोल रहे हैं पूरा टेन परसेंट पूरा टेन परसेंट और अगर आधा करना है तो सिक्स मंथ्स का करना है तो ये हो जाएगा फाइव परसेंट है ना अब ये थ्री इयर्स बोला है और एनुअली कंपाउंडिंग बोला है अगर वो सिक्स अगर बोलते हैं कि सिक्स मंथली करना है उनको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करना है तो थ्री ईयर्स के जगह अपन बोलेंगे सिक्स पीरियड सिक्स हाफ ईयरली पीरियड वो मैं आपको बाद में अभी एक था और एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल वैसा कंसिडर किया नहीं है दो तीन एग्जाम्पल अपन वैसे भी देखेंगे कि जहां पे आप उन्होंने ये सब डिस्कस किया है एनुअली डिस्कस किया है हाफ ईयरली डिस्कस किया है क्वार्टरली डिस्कस किया है ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनुअली बोला है तो आर के जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे थ्री ईयर्स ठीक है देखो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल एट द बिगनिंग हजार टेन परसेंट से ग्रो किया सौ रुपया बढ़ गया प्रिंसिपल एट द एंड वन वन डबल जीरो ठीक है फिर प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग कितना है ग्यारह सौ रुपया इंटरेस्ट जमा करके हो गया एक सौ दस रुपया टेन परसेंट से प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज वन टू वन जीरो प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग जीरो इंटरेस्ट जोड़ के वो अमाउंट हो गया एक सौ इक्कीस रुपया और प्रिंसिपल एट द एंड हो गया वन थ्री थ्री वन ये हो गया जैसे अपन कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं मेथड वन दूसरा अगर फॉर्मूला वाइज जाए तो प्रिंसिपल एट द एंड फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो एज एस इज इक्वल टू पी इन टू इन ब्रैकेट वन प्लस आई और आर रेस टू द पावर एन यहाँ पे सारा दिया है फ्यूचर वैल्यू अमाउंट इन्वेस्टेड इंटरेस्ट रेट नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि अपन ने अभी लिख के देख लिया है एन्यू का मैंने आपको ये बताया ये देखो कुछ इसी तरीके से बताया मैंने आपको कुछ इसी तरीके से बताया मैंने आपको देख लो ये डायग्राम जरा देखो ये अमाउंट ये एक हजार पूरे पांचों साल के लिए तो इसका अगर आप अमाउंट देखें तो सबसे हाईएस्ट है क्यों क्योंकि ये पांच साल पूरा इन्वेस्टेड रहा है अगेन अगर आप इसका देखेंगे सेकेंड ईयर का देखेंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा कम है समझा इसका अगर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा कम है इसका अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है और पांचवे साल का तो अभी इन्वेस्ट किया है तो उतना का उतना ही रहेगा ये क्यों ग्रो होगा ये पांचवे साल में मैंने अभी हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो हजार हजार ही रहेगा बढ़ गया कौन सा ये ये एक साल से बढ़ गया ये दो साल से बढ़ गया ये तीन साल से बढ़ गया और ये चार साल से बढ़ गया ठीक है अब ये डिपेंड करता है कि बिगनिंग पे आप भर रहे हो उसको या एंड पे एंड ऑफ द पीरियड पे भर रहे हो या बिगनिंग अब ये एंड ऑफ द पीरियड पे होगा तो ये ऐसा कैलकुलेट होगा और अगर बिगनिंग में होगा तो ये अलग टाइप से कैलकुलेट होगा ठीक है ये देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है ईच डिपॉजिट अकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल कंप्लीट हो गया फिर आपने एक, सा, एक हजार भरे तो वो तो सेकेंड ईयर का स्टार्ट हो गया ना फर्स्ट ईयर के एंड पे आप कोई अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो तो सेकेंड ईयर का बिगिनिंग तो तो फिर। फिर तो दो तीन चार चार साल ही कैलकुलेट होगा वो दैट वे अब पांचवे साल के एंड पे आपने एक हजार भरा तो मुझे बताओ कंपाउंडिंग करूँ किसका है ना जिस दिन इंटरेस्ट का पूरा कैलकुलेट होना है उसी दिन आप बोल रहे हाँ ले लो हजार रुपए हजार तो हजार ही रहने वाले एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ नहीं कंपाउंडिंग करे कहा से अगर एंड ऑफ द ईयर पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एंड ऑफ द पीरियड पे कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो एन्य कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा ठीक है तो अगर अब इन शॉर्ट बात करूं तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो ये तो जीरो रहेगा इसका कोई कंपाउंडिंग नहीं होगा ये एक साल का कंपाउंडिंग दो साल का तीन साल का और ये चार साल का तेरफ ये चार साल का होके इतना हो गया ये इतना ये इतना ये इतना, ये इतना और ये इतना एंड ऑफ द पीरियड की बात करें तो ठीक है क्या इसका कॉन्सेप्ट अपन बाद में डिस्कस करेंगे अभी मुझे एक आपको करवाना है कोई चीज आ जाओ इधर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने को <coughs> hmm. अच्छा ये वाले तो है ही नहीं एक काम करो इसको सॉल्व करो तो आ, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया असर्टेन एन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू इलेस्ट्रेशन नंबर टू उस पर आ जाओ असर्टेन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट सेवेंटी फाइव थाउजेंड एट परसेंट कंपाउंडेड सेमी एन्युअली सेमी एनुअली मतलब ये होता है annually. और सेमी एन्य मतलब इतने पीरियड का पाँच साल के लिए करना है अपने को तो अगर मैं अगर टाइम लाइन बनाऊँ देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है आप भी कर सकते हो बस कौन से बताने के लिए अभी बता रही हूँ मैं ठीक है चलो इसको करेंगे अपन सॉल्व इतने साल पांच साल का बोला है ना वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है ऐसा करते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ठीक है तो ये हो गया पूरा वन ईयर ये हो गया पूरा टू ईयर ये हो गया पूरा थ्री ईयर ये फोर ईयर एंड ये फिफ्थ ईयर समझा क्या आपको अभी अगर एनुअली बात करेंगे तो अभी देखो मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूं ये एनुअली बात हो गई कलर पेन चेंज कर रही हूं देखो सो आपको डिफरेंस समझ में आए इसको क्या बोलते हैं एन्यल रेट जैसे कि यहाँ पे कितना रेट कितना बोला है बोलो एट परसेंट बोला है इलेस्ट्रेशन नंबर टू एक सेकेंड हाँ एट परसेंट एट एटी बोल रही हूँ एट परसेंट एट परसेंट एट परसेंट एट परसेंट ये हो गया एनुअली हाँ पर हमको क्या बोला है यहाँ पे कंपाउंडिंग टू बी डन देखो जो मैं कर रही हूँ ये देखो ये जो अभी मैं मार्क कर रही हूँ ना इसको बोलते हैं सेमी एन्युअली कलर दिख रहा है क्या आपको या ब्लैक से करूँ ये देखो ये बीच में आप स्प्लिट आ गया सबके सेमी एन्युअली मतलब पीरियड चेंज हो गए अभी पूरे साल का अगर आठ परसेंट है आठ परसेंट आठ रुपया जैसे अभी अज्यूम करो एट रुपया पूरे साल का अगर मैं बोल रही हूँ कि साल भर में दूंगी पर आप बोलते हो नहीं नहीं छह महीने करके दो तो छह महीने करके मैं कितना कितना दूंगी चार चार रुपया समझा के आपको कॉन्सेप्ट अभी क्या करते हैं अपन <coughs> इसको कुछ इस तरीके से करती हूं मैं देखो दो दो चीजों में स्प्लिट कर दिया फोर परसेंट फोर परसेंट सिमिलरली करो तो ऐसा करो करो हो गया यहां पे एक बार चेक करो आठ परसेंट कितने बार लिखा आपने एक दो तीन चार पांच बार सो यहां पे मैं लिख देती हूं एट परसेंट कॉमा फाइव ठीक है पांच साल फाइव इयर्स लिख देती हूं मैं अभी आप यहां पे क्या लिखेंगे फोर परसेंट आपने कितने बार लिखा है काउंट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो अगर बात करें तो फोर परसेंट टेन क्या बोला है उन्होंने सेमी एन्युअल पीरियड सेमी एन्युअल पीरियड यहां से कुछ फॉर्मूला समझ में आता है क्या आपको परसेंट को क्या किया होगा मैंने एट परसेंट डिवाइड बाई टू मैंने डिवाइड कर दिया देखो आठ परसेंट जो पूरे साल में आना था अब अगर हम लोग सेमी एनुअली बात करते हैं तो कोर्स उसको आधा आधा करना पड़ेगा कि छह महीने में आधा परसेंट ले लो आधा परसेंट छ महीने में डिवाइड हो गया वो डिवाइड तो बोलो कितना परसेंट हो गया वो फोर परसेंट फाइव इन्हने इन को डबल हो गया ना इन कैसे सेमी एनुअली अभी मुझे वर्किंग करनी है तो जो वर्किंग पांच साल डायरेक्टली वन टू थ्री फोर फाइव होनी थी आप बोल रहे हैं सडनली सेमी एनुअली करो तो वही पीरियड डबल हो गया इट इज इंक्रीज तो इट इज समथिंग लाइक दिस फाइव इन टू टू ये मल्टीप्लाई हो गया टेन सेमी एनुअल पीरियड हो गया समझा क्या ये हो गया फॉर्मूला अगर किसी को ये पता नहीं होगा कि मैम ये आपने मतलब हम लोग अभी तक ये कैसे करते आए मतलब इन टू करो डिवाइड करो जो भी करना है करो वो क्यों करना है उसका रीजन नहीं है तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कहाँ पे ये देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना ये वाला पूरा एग्जाम्पल ये 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 तो ये उसी रीजन से बताया था अब यहाँ पे भी आप देखो ना परसेंट को डिवाइड कर दो वो हो गया फाइव परसेंट और इयर्स को अपन मल्टीप्लाई करके वो हो गया सिक्स पीरियड समझा क्या तो आप यहां पे लिख सकते हो इन शॉर्ट जो रेट होता है वो डिवाइड होता है और जो पीरियड होता है अगर ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया तो वो होता है मल्टीप्लाई समझा समझा क्या हम्म अब सॉल्विंग कैसा करना पड़ेगा बताओ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी करो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है डिफरेंस लिख दो दोनों का प्रिंसिपल एंड अभी जो अमाउंट अभी आया है ये जो फ्यूचर वैल्यू आया है और जो अपन ने इन्वेस्ट किया था दोनों का डिफरेंस इज आवर कंपाउंड वैल्यू ये कंपाउंड वैल्यू है यहां पे लिखो कंपाउंड वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो वन 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 जीरो टू माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ यू नो ऑल दैट पीरियड कितना आ गया रुपीज थर्टी सिक्स जीरो वन एट आया क्या ये आंसर तो ऐसा का ऐसा ड्रॉ करो अपने बुक में तो आपको ये समझ में आएगा कि अपन ने के अ, मतलब वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वो क्यों किया है ठीक है बिकॉज उन्होंने हमको बोला ही उस तरीके से कि एनुअली तो हमारा एट परसेंट ऑफ रेट है इन्वेस्टेड फॉर फाइव ईयर्स लेकिन हमको कंपाउंडिंग करना है सेमी वो बोल सकते हैं कंपाउंडिंग कंपाउंड करो क्वार्टरली या कंपाउंड करो मंथली तो अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो जाएगी ठीक है चलो कर दो तो एक बार प्लीज ये ड्रॉ करो फटाफट <coughs> फिर अपन एन्यूटी देखेंगे ये ड्रॉ करना है